जय हिंद दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SG स्टडी पे। दोस्तों अभी हम लेकर आ गए इंडियन नेवी MR SSR AA कोस्ट गार्ड DVZD और दोस्तों आर्मी ZD के लिए दोस्तों जनरल अवेयरनेस क्लास, जिसमें हम करने वाले दोस्तों GK के प्रैक्टिस सेट 10 को। दोस्तों इससे पहले हमने GK के प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 9 तक करवा रखे हैं। अगर आप अभी तक एक भी प्रैक्टिस सेट को नहीं लगाया हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा प्ले लिस्ट का, जाके आप बारी बारी करके सभी प्रैक्टिस सेट को जरूर लगेगा, क्योंकि प्रैक्टिस सेट अंदर जितने भी क्वेश्चन डालने हैं वो सारे एग्जाम लेवल के क्वेश्चन हैं और ऐसी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आप लोग जितना हो सके उतना प्रैक्टिस सेट को लगाओ और याद कर जाओ इसके अंदर के सारे क्वेश्चन को। चलिए सबसे पहला सवाल को देखते हैं। सबसे पहला सवाल देखिए क्या कह रहा है दोस्तों, बहुत अच्छा सवाल है। सवाल कह रहा है दोस्तों, भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, कौन थे? फटाफट आप लोग इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन का आंसर नहीं पता होगा तो वीडियो को कंटिन्यूअसली देखते चलिएगा। एक का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे दोस्तों वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, तो आप लोग को पता होगा। आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, जरूर बताना। देखेंगे कि कौन कौन से बंदे मतलब इसका राइट आंसर दिए हैं, ठीक ना। सबको हर्ट मिलेगा जो भी जल्दी से इसका आंसर दोगे। दूसरा यहाँ पे बात करते दोस्तों, राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? नेवी, एयरफोर्स, आर्मी और कोस्ट गार्ड के अंदर बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है दोस्तों, आप लोग याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, महानदी पे। हीराकुंड बांध है दोस्तों जो कि महानदी पे स्थित है, आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल दोस्तों यहां पे देखेंगे, अगला सवाल है दोस्तों, सिकंदर भारत कब आया था? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, 326 BC। सिकंदर जो है दोस्तों भारत 326 BC में आया था, आप लोग याद रखिएगा, ठीक। अगला सवाल यहाँ पे दोस्तों, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी से संबंधित है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, गोदावरी। सरदार सरोवर परियोजना है दोस्तों गोदावरी नदी से संबंधित है, आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल बहुत अच्छा सवाल और इस बार कन्फर्म आपके एग्जाम में आएगा, 100% आप लोग लिख लो मेरे भाई। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है? फटाफट से इसका राइट आंसर आप लोग पहले कमेंट सेक्शन में दो, क्योंकि अभी बहुत चर्चित है, आप लोग को पता होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, जेवलिन थ्रो। नीरज चोपड़ा है दोस्तों जेवलिन थ्रो खेल से संबंधित है, आप लोग को याद होगा। और इन्होंने इस बार जो हुआ है टोक्यो 2020 का ओलंपिक, उसमें ये भारत को क्या दिलाए हैं दोस्तों, गोल्ड मेडल दिलाए हैं। तो इसलिए अभी ये बहुत ज़्यादा इंडिया के अंदर मतलब कि चर्चित में रहे हैं, अभी आप लोग को पता होगा, अभी ट्रेंडिंग में बहुत ज़्यादा रहे नीरज चोपड़ा, ठीक ना, जो कि आर्मी के JCO मतलब रह चुके हैं, अभी उन्हीं पोस्ट पे हैं और अभी फिलहाल अभी इनको इतना ज़्यादा फैसिलिटी मिल गई है गोल्ड मेडल लाने के बाद कि कह नहीं सकते हैं। तो आप लोग याद रखना, नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो जिसको बोलते हैं भाला फेंक, जिसमें कितने मीटर फेंके थे दोस्तों, 87.58 मीटर, आप लोग याद रखेगा, इतना दूर क्या किए थे दोस्तों, भाला फेंके थे, ठीक ना, जिसको बोलते हैं जेवलिन थ्रो। तो नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है? जेवलिन थ्रो से, आप लोग याद रखना। अगला सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया सवाल है, सबसे छोटी पक्षी है? दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, हमिंग बर्ड, ठीक ना, ये याद कर लेना, 100% आएगा आपके एग्जाम में, अभी बोल रहा हूँ, ठीक। अगला सवाल दोस्तों, अर्जुन पुरस्कार कब शुरू किया गया था? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1961 ईस्वी में। अर्जुन पुरस्कार दोस्तों 1961 ईस्वी में शुरू किया गया था, तो आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल दोस्तों बोल रहा है, इंडिया 2020 के रचनाकार हैं? इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है, ठीक, याद रखिएगा। अगला सवाल बोले दोस्तों, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 22 अप्रैल हो जाएगा, विश्व पृथ्वी दिवस दोस्तों 22 अप्रैल को मनाया जाता है, आप लोग याद रखना। अगला सवाल दोस्तों बोल रहा है, इराक का बगदाद शहर किस नदी के किनारे स्थित है? इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, टिग्रिस नदी। इराक का बगदाद शहर दोस्तों टिग्रिस नदी पे स्थित है, आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल बहुत अच्छा सवाल, आपके एग्जाम में पूछा गया सवाल, सवाल कह रहा है UNO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, न्यूयॉर्क हो जाएगा दोस्तों। UNO का दोस्तों जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है दोस्तों, न्यूयॉर्क में स्थित है, आप लोग याद रखिएगा। साथ ही साथ दोस्तों एक और क्वेश्चन
आप लोग याद रख सकते हो वो क्वेश्चन दोस्तों क्या है कि UNO का फुल फॉर्म क्या होता है, वो भी आपके एग्जाम में पूछे गए दोस्तों, तो आप इसे भी याद रखिएगा, बहुतों बार पूछा जा चुका है। और इसका आंसर आप लोगों को क्या करना है दोस्तों, कमेंट सेक्शन में क्या करना है, कमेंट करके बताना है कि UNO का मुख्यालय कहाँ है। तो जल्दी से देखते कौन कौन से बंदे UNO का फुल फॉर्म नीचे लिखते हैं। चलिए अगला सवाल दोस्तों कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 5 वर्ष का, आप सभी को पता होगा भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है दोस्तों, 5 वर्ष का होता है। अगला सवाल है दोस्तों, किसान घाट किसका समाधि स्थल है। ये क्वेश्चन हम करवा रखे थे आप लोगों को डिटेल क्लास में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए चौधरी चरण सिंह। किसान घाट दोस्तों चौधरी चरण सिंह की समाधि स्थल है, आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल कह रहे दोस्तों, देश राजधानी से जकार्ता किस देश की राजधानी है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इंडोनेशिया। जकार्ता इंडोनेशिया देश की राजधानी है, तो आप लोग याद रखेगा। या पूछा जाएगा इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है, तो जकार्ता, ठीक, ऐसे करके भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला सवाल दोस्तों, वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 जून। वर्ष का सबसे लंबा जो दिन होता है दोस्तों 22 जून होता है, आप लोग याद रखेगा। अगला सवाल आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया सवाल, सवाल कह रहा है दोस्तों डूरंड कप किस खेल से संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, फुटबॉल हो जाएगा। डूरंड कप है दोस्तों फुटबॉल से स्थित है, मतलब कि खेल से संबंधित रखता है, तो आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल भी पूछा गया सवाल आपके एग्जाम में, बहुत अच्छा सवाल, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लुम्बिनी हो जाएगा। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान दोस्तों जो है वो क्या है, लुम्बिनी है, आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है आप लोग के लिए। अगला सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया सवाल, सवाल कह रहे दोस्तों जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था दोस्तों 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था, जो कि कौन करवाया था, जनरल डायर करवाया था, आप लोग याद रखिएगा। अब आगे हम क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला सवाल कह रहा है हमारा कि भारत रत्न के अलंकरण में कौन सी आकृति निर्मित होती है। राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सूर्य की आकृति। भारत रत्न के अलंकरण में सूर्य की आकृति निर्मित होती है, आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल पूछा गया सवाल है, सवाल बोल रहा है कि ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा क्या है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉलर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की जो मुद्रा है दोस्तों वो क्या है, डॉलर है, तो आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल दोस्तों यहाँ पर बोल रहा है नेशनल मतलब कि जैन धर्म के प्रवर्तक कौन थे। दोस्तों जैन धर्म के जो प्रवर्तक थे वो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, ऋषभ देव हो जाएगा। जैन धर्म के जो प्रवर्तक थे वो ऋषभ देव थे, ये प्रथम प्रवर्तक थे। और आप लोग से पूछा जाएगा एक दोस्तों अंतिम प्रवर्तक कौन थे दोस्तों, तो अंतिम प्रवर्तक जो हो जाएंगे जैन धर्म के वो कौन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे महावीर हो जाएंगे, ठीक, आप लोग याद रखना। अगला चलिए सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल कह रहा है यहाँ पर नेशनल डिफेंस कॉलेज कहाँ है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, दिल्ली हो जाएगा। नेशनल डिफेंस कॉलेज जो दोस्तों है दिल्ली में स्थित है, आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल बोला है दोस्तों जनगणना किस अंतराल में होती है, तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों 10 वर्ष के अंतराल में होती है, आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल दोस्तों बोल रहा है कि अभय घाट किसका समाधि स्थल है। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मोरारजी देसाई। अभय घाट है दोस्तों मोरारजी देसाई का समाधि स्थल है, आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल दोस्तों बोल रहा है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर स्थित है। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मुंबई में। भाभा एटॉमिक रिसर्च जो सेंटर है दोस्तों मुंबई में स्थित है, आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल दोस्तों बोल रहा है प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है। दोस्तों प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा होता है, आप लोग याद रखना, बहुत अच्छा सवाल है। अगला सवाल दोस्तों बोल रहा है सबसे छोटा महाद्वीप है। दोस्तों जो सबसे छोटा महाद्वीप है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, आप लोग याद रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। अगला सवाल को कह रहा है दोस्तों भारत में पहली भूमिगत मेट्रो किस शहर में प्रारंभ की गई। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी कोलकाता में। भारत में पहली भूमिगत मेट्रो जो प्रारंभ की गई थी वो कोलकाता में प्रारंभ की गई थी, आप लोग याद रखिएगा।
उसके बाद ये सवाल पूछा गया, सवाल है दोस्तों पूछ रहा है कि पिन नंबर का विस्तारित रूप है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, पोस्टल इंडेक्स नंबर। क्या हो जाएगा दोस्तों? पोस्टल इंडेक्स नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, पिन का फुल फॉर्म। ठीक ना, तो फुल फॉर्म वाले भी हम क्वेश्चन करवा देंगे। तो ये टोटल 30 क्वेश्चन अभी मैंने करवा दिया दोस्तों, और 30 में कितना सही हुआ है आप लोग कमेंट करके जरूर बताना अपना स्कोर, और आज का क्लास कैसा लगा, साथ ही साथ नेक्स्ट पार्ट के लिए कितने बंदे रेडी हो वो भी बता देना मुझे। ठीक ना, और इसका PDF आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट से ज्वाइन कर लेना, SGS स्टडी सर्च करना, टेलीग्राम पे जाके ज्वाइन हो सकते हो। साथ ही साथ मुझे इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किया मेरे भाई, फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम की ID यहाँ पे शो हो रही होगी और लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ। साथ ही साथ सेकंड चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना, सभी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ मेरे भाई, जाके जरूर सभी जगह ज्वाइन हो ही जाना। दोस्तों मिलते हैं हम एक और वीडियो में, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।